भरतपुर संभाग है देवी सिंह प्रजापत, लोकेशन हिंडौन सिटी करौली। अग्रसेन क्लॉथ थोक कपड़ा बाजार में व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखा, जताया विरोध, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारी। करौली जिले के हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर अग्रसेन क्लॉथ थोक बाजार में कपड़ा व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जल भराव व कीचड़ की समस्या से परेशान होकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। परेशान व्यापारियों ने बाजार में सीमेंट, सड़क निर्माण व जल निकासी के स्थायी समाधान सहित कीचड़ की वजह से बाजार में ग्राहक नहीं पहुंचते हैं, इससे लाखों के कारोबार प्रभावित होने के चलते गुरुवार को व्यापारी आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। उपखंड नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ अपने अपने प्रतिष्ठा बंद रखते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि हिंडौन सिटी के अग्रसेन क्लॉथ थोक बाजार में जल निकासी के पुख्ता प्रबंध करने सहित सीमांचल सड़क निर्माण सहित मार्केट में हो रहे कीचड़ से ग्राहकों के नहीं पहुंचने से प्रभावित हो रहे हैं व्यापारियों के व्यापार को लेकर बुधवार को बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपते सहित प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर गुरुवार को सुबह से ही अग्रसेन क्लॉथ थोक मार्केट के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने सहित स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं। थोक बस व्यवस्था समिति हिंडौन सिटी विगत 5-6 वर्षों से इस मार्केट में पानी निकासी की समस्या एवं सीसी रोड की समस्या बनी हुई है, जिसके लिए हम प्रशासन को और शासन को पिछले 5 साल से हम ज्ञापन मौखिक रूप से, लिखित रूप से धरना प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय विधायक साहब को, माननीय पूर्व विधायक साहब को, अन्य आयुक्त साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। हम व्यापारी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो ज्ञापन है उनको लियो और एक रद्दी कागज में डाल दो, लेकिन जो भी इस समस्या को हम बार बार उठाते हैं लेकिन हमारी समस्या की सुनवाई नहीं होती है। आज हमने फिर दोबारा ये धरना प्रदर्शन किया है और ये धरना प्रदर्शन हम तब तक करेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। धन्यवाद।